नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोले के सांभा यानी मैकमोहन का है। सिर्फ एक लाइन का डायलॉग था और इस एक लाइन के डायलॉग को बोलने के लिए शोले के सांभा यानी मैकमोहन 27 बार मुंबई से बेंगलुरु गए, जहां शोले की शूटिंग हो रही थी। सुनाते हैं आज आपको पूरा किस्सा। डायलॉग था पूरे 50,000। बस इस एक लाइन से यह शख्स अमर हो गया। शोले में सांभा का किरदार भला कौन भूल सकता है। एक्टर मैकमोहन को आज भी लोग उनके इस किरदार की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन तीन शब्दों को, डायलॉग को शूट करने के लिए मैकमोहन 27 बार मुंबई से बेंगलुरु गए थे। ये तो मैकमोहन डॉन, कर्ज, सत्ते पे सत्ता, जंजीर, रफू चक्कर, शान, खून पसीना जैसी कई फिल्मों में भी शानदार काम करते हुए नजर आए, लेकिन जो शोहरत उन्हें शोले से मिली उसी ने मैकमोहन को अमर कर दिया। फिल्म शोले में सांभा यानी मैकमोहन ने सिर्फ एक ही डायलॉग बोला था और वो भी तीन शब्द पूरे 50,000। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि इस छोटे से डायलॉग की शूटिंग करने के लिए मैकमोहन को मुंबई से बेंगलुरु 27 बार जाना पड़ा। दरअसल इस फिल्म की शुरुआत में उनका किरदार थोड़ा लंबा था। एडिटिंग होने के बाद सिर्फ तीन शब्द बचे। मैक ने फिल्म शोले को एडिट होने के बाद जब देखा तो वो बहुत निराश हुए। एक इंटरव्यू के दौरान मैकमोहन ने बताया था कि जब मैंने शोले फिल्म देखी तो मैं रोने लगा। फिल्म खत्म होते ही मैं सीधे रमेश तिप्पी के पास गया और उनसे बोला कि मेरा इतना थोड़ा सा रोल भी क्यों रखा, आप चाहते तो इसे भी हटा देते। इस पर उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म हिट हुई तो दुनिया मुझे सांभा के नाम से जानेगी, और हुआ भी ऐसा ही। मैकमोहन के पिता भारत में ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। 1940 में उनका ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गया और मैकमोहन ने अपनी बाकी की पढ़ाई यहीं पूरी की। उनको बचपन से क्रिकेट का शौक था और वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम के लिए खेला भी था। साल 1952 में मुंबई आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने थिएटर देखा तो एक्टिंग में उनकी रुचि बढ़ी। शबाना आजमी की माँ शौकत आजमी को उन दिनों एक नाटक के लिए दुबले पतले शख्स की ज़रूरत थी। मैक के किसी दोस्त ने उन्हें इसके बारे में बताया और पैसों की भी उन्हें ज़रूरत थी। वो शौकत के पास नाटक में काम मांगने पहुंच गए और यहीं से दरअसल उनकी एक्टिंग का जो सफ़र है वो शुरू होता है। मैकमोहन ने हकीकत से साल 1964 में फिल्मी सफ़र की शुरुआत की और करीब 200 फिल्मों में काम किया। उनके खाते में सुपरहिट फिल्म शोले के अलावा रफू चक्कर, कर्ज, डॉन, खून पसीना जैसी फिल्में हैं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में करीब 46 साल तक काम किया था और सभी फिल्मों में उनके विलेन के किरदार ने दर्शकों के बीच उन्हें मशहूर कर दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।